हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट, हकीकत से रूबरू होने वाला। मेरा मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बदलाव तो एक नियम है, बदलाव तो होता रहता है, लोगों का आना और लोगों का जाना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कॉमन चीज़ है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसे ऐसे ही लेना चाहिए। हमारे यहाँ से भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ पे भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक लीडर के तौर पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आता है तो वो महान बन जाता है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाता है तो वो गद्दार बन जाता है। अगर कोई हमें जानता है तो पिछले 4.5 साल में हमारे पास चाहे लोग आए और चाहे लोग गए, हमने आने वालों का स्वागत किया और जाने वालों के बारे में कभी भी गलत नहीं बोला, क्योंकि यह बदलाव जरूरी है, यह बदलाव बहुत जरूरी है। मैं हमेशा, मुझसे न जाने कितनी बार लोगों ने पूछा कि सर मैं चाहता हूं कि ये कंपनी मेरी लाइफ की लास्ट कंपनी हो जाए, मैं यहां से रिटायर होना चाहता हूं। तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि भैया, रिटायर तब हो पाओगे, ये कंपनी लास्ट तब बन पाएगी जब आप अपनी घर चलाने से ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। जब तक आप प्रोडक्ट को सेल करके उतना पैसा नहीं कमा सकते जितने में आपका घर चल जाए, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, तब तक ये आपकी लास्ट कंपनी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें कभी ये भी नहीं लगता कि कौन आया और कौन चला गया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप नहीं कमा पाएंगे तो यू हैव टू चेंज। मेरा मानना यह है कि जब आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं मैच करेगी तो यू हैव टू चेंज। मेरा मानना यह है कि जब आप ग्रो नहीं कर पाएंगे तो यू हैव टू चेंज। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका टेम्परामेंट इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस के अंदर एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर टेम्परामेंट। कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं आप, कैसे चीज़ों को लेते हैं आप, कैसे चीज़ों को समझते हैं आप। मैं देखता हूँ यहाँ एक आदमी जैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसका महिमा वर्णन चालू हो जाता है। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये फ्लाग कंपनी में ये था। वेरी गुड। जब आता है तो आप महिमा वर्णन करते हो, लेकिन क्या वो पहली बार आपकी कंपनी में आ रहा है? उससे पहले वो किसी कंपनी में नहीं था? यस था, बिल्कुल था। किसी कंपनी से आपके पास आया तो आप महिमा मंडित कर रहे हो, लेकिन अब क्या हो रहा है? जब वो आपकी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है, किसी कंपनी को छोड़ के आ रहा है तो बढ़िया आदमी है, किसी आपको छोड़ के किसी कंपनी में जा रहा है तो बुरा आदमी है। ऐसा नहीं होता। हमारा एक साथी था, हमारे पास आया तो हमने उसकी तारीफ की, हमारे पास से गया तो उसकी बुराई की। इसका मतलब साथी नहीं था, अपॉर्चुनिटी थी। इसका मतलब साथी नहीं था, मौका था। और मौका परस्ती ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना लीडरशिप के लिए, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी कहावत है, एक बार एक इंसान गरीब सा आ रहा था, तो एक शराबी जा रहा था, उसने उस गरीब को देखा तो बोला शराबी, चलो ए परे हट, धोस जमाने लगा। तो बेचारा चुपचाप साइड में हो गया। आगे से एक पहलवान आ रहा था, तो उस शराबी जैसे उस पहलवान के पास पहुंचा, बोला पहलवान साहब राम राम, बोला अच्छा शराबी परे हट, बोला भाई साहब गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। तो जो गरीब आदमी था वो वापस आया उस शराबी के पास, बोला भाई साहब एक बात बताओ, लगे? बोला दो तरह की पी रखी है क्या? मेरे सामने कुछ और, पहलवान के सामने कुछ और। जब कोई टीम आपके पास आती है तो कुछ और, जब कोई टीम आपके पास से जाती है तो कुछ और। दो तरह की शराब पी रखी है क्या? एक ही तरह की पे रहो ना यार। जब कोई आता है तो उसका वेलकम करो, जब कोई जाता है उसका फेयरवेल करो। तकलीफ कहाँ है? ये इंडस्ट्री है, यहाँ लोगों के आने और जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्रोडक्ट, आपके उत्पाद, आपके एथिक्स, आपके सिद्धांत, आपके कार्यशैली। कैसे आप उत्पाद लेके आ रहे हो, कैसे आप मूव कर रहे हो, क्योंकि लोगों के आने से आप डिपेंडेंट हो तो फिर आपके पास अपना क्या है? लोगों के जाने से आप डिप्रेशन में हो तो फिर आपके पास अपना क्या है? संघर्ष हमेशा होता था, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा। प्रोसेस कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी होगा।
बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां हैं, आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियां आने वाली हैं, कंपटीशन और बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर आप हेल्दी कंपटीशन नहीं कर सकते तो आपको कैसे अच्छा बिजनेसमैन मान लिया जाए? जब आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कैसे आपको अच्छा और बड़ा लीडर मान लिया जाए? मैं ये नहीं कहता हूं गलत लोग नहीं है, गलत लोग भी हैं, गलत तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन उस समय आपका शालीन होना ही आपको बड़ा बनाता है। उस समय भविष्य के हवाले छोड़ दिया जाना कि चलो लेट्स सी फ्यूचर विल टेल कौन सही है, भविष्य बताएगा ना। डबल मेहनत करो, ट्रिपल मेहनत करो, चार गुना मेहनत करो, पांच गुना मेहनत करो, दस गुना मेहनत करो, जो मेहनत आपको आती है करो ना, तकलीफ कहां है। लेकिन जिस रिगार्ड के साथ उसे लेके आए हो, अगर वो जाता है तो उसी रिगार्ड के साथ जाने दो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4.5 साल में आने वालों का स्वागत हुआ है, जाने वालों के खिलाफ हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। न जाने कितने ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे यहाँ से गए भी होंगे और उन्होंने हमारे बारे में बोला भी होगा, लेकिन फिर भी हमने अगले महीने उसका पे आउट दिया होगा, क्योंकि पर्सनल रिवेंज बिजनेस अलाउ नहीं करता है। कोई आपके बारे में बोल रहा है और आप फिर वैसा ही उसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, ये एथिक्स में नहीं आता है, ये सिद्धांतों में नहीं आता है। सिद्धांतों में बहुत सारी चीजें अलग हैं, जहां बिजनेस ही सर्वोपरि है, जहां बिजनेस ही सब कुछ है, जहां बिजनेस के आगे कुछ नहीं टिकता, वहां पे मानसिकताएं कमजोर हो जाती हैं, वहां पे सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं, वहां पे बिजनेस के अलावा अच्छा बुरा सही गलत दिखना पहचाना जाना बंद हो जाता है। मैं अपनों को भी खोने को तैयार हूं, मैं बेगानों को भी अपना बनाने को तैयार हूं। अपने कौन खोऊंगा जो सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, बेगाने कौन अपने बनेंगे जो सिद्धांतों पे चलेंगे। जो सिद्धांतों पे नहीं चल सकते, जो आपकी माइंडसेट के साथ ट्यून नहीं कर सकते, जो अलाइन नहीं कर सकते, वो नहीं। एक गाड़ी में चार पहिए होते हैं, अगर अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो एक पहिया घिस जाएगा। यही तो होता है बिजनेस में। जो टीम आपके कल्चर को नहीं सीख पाती, जो टीम आपके बिजनेस एथिक्स को नहीं सीख पाती, जो बिजनेस वो अलग हो जाती है, और इसमें कहीं कोई बुरा नहीं है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन हर वो कंपनी ग्रो करती है जो कंपनी सिद्धांतों पे चलती है। आज मैं बात कर रहा हूँ क्यों ओके लाइफ केयर ने ग्रो किया और क्यों ओके लाइफ केयर ग्रो करेगी। लोगों को लगता है बिजनेस प्लान की वजह से, यस, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर। लोगों को लगता है अफोर्डेबल प्राइस की वजह से, सिर्फ एक फैक्टर है, दो ही फैक्टर हुए। अगर अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात करूं और बिजनेस प्लान की बात करूं तो यस, हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं इन दोनों चीज़ों में। हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी है, हमारी क्वालिटी अच्छी भी है, हमारा प्राइस भी सही है, हमारा बिजनेस प्लान भी सही है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है, वेरी गुड। पर सिर्फ इन दो चीज़ों के सहारे कंपनी नहीं चलती। एक डायरेक्ट सेलर को हो सकता है लगता हो कि प्रोडक्ट ऑन टाइम एंड पे आउट ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, सर्विसेज ऑन टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को आप कैसा ट्रीटमेंट देते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एजुकेशन देते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, आज के बारे में सोच रहे हो कि कल के बारे में सोच के बिजनेस कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकली कितना आप फॉलो कर रहे हो अपनी चीज़ों को वो भी इंपॉर्टेंट है, आप जो बोलते हो वो करने के लिए डेडिकेशन दिखाते भी हो कि नहीं दिखाते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, हमने प्रोडक्ट रेंज पे काम किया, हमने मीटिंग्स पे काम किया, हमने सेमिनार्स पे काम किया, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया, हमने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे काम किया, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, हमने लीडर्स का विश्वास जीता, हमने डायरेक्ट सेलर्स का भरोसा जीता कि उनके ऊपर किसी को नहीं बैठाया जाएगा, उनकी टीमें तोड़ के यहाँ से वहाँ नहीं लगाई जाएंगी, और वो सीना ठोक के बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर में अगर आपको पोजीशन मिल जाए तो जो बोलोगे हार जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस जब लीडरशिप के अंदर आता है तब जाके वो टिकता है, तब जाके वो सिक्योर्ड फील करता है, तब जाके वो अपनापन महसूस करता है। ओके लाइफ केयर एक डायरेक्ट सेलर की कंपनी है, क्योंकि कभी भी उसके साथ ऐसी कोई मैनिपुलेशन 4.5 साल में हुई ही नहीं है। वो सीना ठोक के बात करता है, वो शर्त लगा के बात करता है कि हमारी कंपनी में सेटिंग नहीं हो सकती, हमारी कंपनी में ऊपर नहीं बैठा जा सकता, हमारी कंपनी में बाद में आके ऊपर पोजीशन नहीं ले सकते हो, हमारी कंपनी में ये नहीं हो सकता, हमारी कंपनी में वो नहीं हो सकता। एंड बिलीव मी, हमने सिर्फ ये काम नहीं किया, हमने एक और बड़ा काम किया है जो हमारे से पहले आज तक, आज की बात कर रहा हूँ, आज की, आज से पहले की बात नहीं कर रहा, आज तक कोई भी कंपनी करने में सफल नहीं हुई।
वो ये है कि इंडिया में तीन तरह की कंपनियां हैं। नंबर एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक लोकल कंपनी है, एक लोकल प्रीमियम कंपनी। एक लोकल है, लोकल जैसी है, एक लोकल प्रीमियम कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल को कंपटीशन देती हैं, और एक है इंटरनेशनल कंपनियां। हम इकलौती ऐसी कंपनी हैं जहां अगर आप सिद्धांतों की बात करोगे, एथिक्स की बात करोगे, तो हम में और इंटरनेशनल में कहीं कोई अंतर नहीं नजर आएगा। वो जहां एथिक्स वहां पे फॉलो होते हैं, वही एथिक्स यहां पे भी फॉलो होते हैं। उनके पास जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, जो प्रीमियम है, जो मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कंपनी के लोगों को जिस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने की आदत है, वैसे प्रोडक्ट उनसे कहीं बेहतर प्राइस पे, उनसे कहीं बेहतर पैकेजिंग के साथ, कहीं बेहतर क्वालिटी के साथ डिलीवर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओके लाइफ केयर। यानी कि बड़े से बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ सीधी सीधी टक्कर लेने की काबिलियत अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रखती है तो वो हम है। चाहे हम पैकेजिंग की बात करें, चाहे हम क्वालिटी की बात करें, चाहे हम प्राइस की बात करें, चाहे यूएसपी की बात करें, चाहे प्रीमियम की बात करें, चाहे यूनिक की बात करें, प्रोबायोटिक टूथपेस्ट की हम बात करें, एलो स्माइल की हम बात करें, KSM-66 हनी की बात करें, KSM-66 की बात करें, जिनसिंग की बात करें, या C3 की बात करें, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल हर पैरामीटर पे खरे उतरते हैं। दूसरी तरफ लोकल कंपनीज, उनके साथ राइस ब्रेन ऑयल की बात कर लो, उनके साथ नीम तुलसी फेस वॉश की बात कर लो, पपाया फेस वॉश की बात कर लो, साबुन की फेस वॉश बात कर लो, नूडल्स की बात कर लो, चाय की बात कर लो, वहाँ पे भी हम उनसे बेहतर हैं। यानी कि हम इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ मास और क्लास दोनों के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है। यहाँ मास भी आके सक्सेसफुल होता है और यहाँ क्लास भी आके सक्सेसफुल होता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां मास और क्लास दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों काम कर सकती हैं। इंडिया में कोई दूसरी कंपनी आज की डेट में ऐसी नहीं है जो मास और क्लास दोनों को सॉल्यूशन देती हो, बिजनेस का, प्रोडक्ट का, एथिक्स का, एनवायरमेंट का, कल्चर का, मेंटलिटी का, एथिक्स का। ये सारी चीज़ें अगर कहीं पे एक जगह देखोगे जहां मास भी काम कर सकता है और क्लास भी काम कर सकता है, मुझे एक कंपनी पूरे हिंदुस्तान में दिखाइए। ओके लाइफ केयर के अलावा एक प्लेटफॉर्म दिखाइए जिस पे आपको मास के लिए भी प्रोडक्ट मिल जाए और क्लास के लिए भी मिल जाए, जिसकी एजुकेशन सेल बेस्ड है, टीम बिल्डिंग बेस्ड है, टीम से सेल कराने से बेस्ड है, ड्रीम सेलिंग के खिलाफ है, रैंक सेलिंग के खिलाफ है, बल्क बाइंग बल्क सेल के खिलाफ है, जो रियल में अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ साथ में रिटेल प्रॉफिट कैसा है वैसे ऑफर लेके आती है, जिसमें आपको पर्सनल परचेज करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी इनकम लेने के लिए। फर्स्ट परचेज कोई एंट्री फीस कोई ये वो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे स्टेट एक ही चीज़ है कि आपकी जो भी सेल होगी उस पर आपका जो भी परसेंटेज बनेगा वो आ जाएगा। इतना सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ईजी टू डुप्लीकेट है, जिसको आसानी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से सिखा सकते हैं। फिर हर इंटरनेशनल कंपनी के कंपटीशन के आपके पास प्रोडक्ट, चाहे वो अमेरिका की कंपनियां हो, चाहे वो स्वीडन की कंपनियां हो, चाहे पेटा सर्टिफिकेशन की बात हो, चाहे KSM जैसे USA के पेटेंटेड प्रोडक्ट को बेचने की बात हो, चाहे वो आपका C3 जैसे पेटेंटेड प्रोडक्ट को बेचने की बात हो, चाहे हनी जैसे एडवांस मैं बात कर रहा हूँ एडवांस हनी की बात हो, जिसमें KSM-66 C3 जिनसिंग जैसी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, चाहे फिर वो मास्क के लिए नूडल्स की बात हो, डिसबार की बात हो, टॉयलेट क्लीनर की बात हो, फ्लोर क्लीनर की बात हो, प्राइस प्रीमियम अफोर्डेबल की बात करोगे तो भी हम आगे हैं, फेशियल किट की बात करोगे, डिटेन किट की बात करोगे तो भी हम आगे हैं, आज अच्छे से अच्छा पर्सनल केयर की बात करोगे तो भी हम आगे हैं। यानी कि एक ऐसी कंपनी जहां मास और क्लास दोनों एक जगह पे परफॉर्म कर सकती हैं, उस कंपनी का नाम है। और उसके बाद भी लोगों की ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं है, उसके बाद भी ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं है जहां सिर्फ लोग आए और जाए नहीं, लेकिन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी लीडरशिप तय करेगी कि जाने वालों के बारे में भी आपके उतने ही अच्छे विचार होने चाहिए जब आप किसी को लेके आते हो। क्योंकि जब किसी कंपनी से आपके पास कोई आता है तो आप बहुत प्रमोट करते हो, जब आपकी कंपनी से कोई जाता है तो आप उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हो। मेरा मानना बहुत सिंपल है, सिद्धांतों के बिना चलाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, सिद्धांतों के बिना चलने वाली लीडरशिप एक न एक दिन गिर जाती है, कभी ना कभी गिर जाएगी। सिद्धांतों के साथ ही चलना पड़ेगा और सिर्फ सेल पे बेस नहीं होके कुछ सिद्धांतों को भी अपनाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री है, सबकी है। जब हम किसी एक को नीचा दिखाते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं कि जो लोग इस इंडस्ट्री में कल आने वाले हैं उन पे हम क्या प्रभाव डालते हैं।
हम शायद ये भूल जाते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो सोबर हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बारे में क्या विचार रखेंगे। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देना एक बात है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देना एक बात है, पर एथिकल होना एक अलग बात है। लीडर्स को सेफ्टी देना एक अलग बात है, लीडर्स को सिक्योरिटी देना एक अलग बात है, लीडर्स की टीमों को इधर उधर नहीं होने देना एक अलग बात है, और जो आपके साथ छोड़ के चला भी जाए, वो आपके बारे में कुछ बोले और उसके बाद भी उसका पे आउट घर पे भेजना एक अलग बात है, और ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। हमेशा कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं हिंदुस्तान में, कल भी थी, आज भी, आने वाले कल में भी होंगी, लेकिन आपको क्यों जाना जाए, आपको क्यों बेहतर माना जाए, क्यों लोग आपके साथ काम करना पसंद करें, क्यों लोग आपके साथ आना पसंद करें, क्यों लोग आपके प्रोडक्ट को बेचना पसंद करें, क्यों लोग आपके साथ अपने करियर का चुनाव करें, क्यों, ऐसी क्या वजह है कि लोग सारी कंपनियां छोड़ के आपके साथ आए। इसलिए कि आप अपने बारे में अच्छे से प्रमोट करते हैं, इसलिए कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, या इसलिए कि आपकी कंपनी बहुत नहीं है, या इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, या इसलिए कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या इसलिए कि आपका प्लान बहुत अच्छा है, या इसलिए आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। नहीं, लोग इसलिए आएंगे कि उन्हें ये भरोसा होगा कि आप उनके साथ चीटिंग नहीं करेंगे। लोग उसी के साथ काम करना पसंद करेंगे जहां उन्हें भरोसा होगा उनकी टीमें इधर से उधर नहीं होंगी, जहां उन्हें यह भरोसा होगा कि सबको एक ही लेवल से शुरू करना पड़ेगा, किसी की हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होगी। लोगों को इक्वलिटी चाहिए, पार्सलिटी से बाहर निकालने की पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की मैक्सिमम कंपनियाँ जो इंडियन हैं, लोकल हैं, वो बिज़नेस को देख के, बिज़नेस के लालच में आके, बिज़नेस से प्रेशराइज होके ऐसे फैसले ले लेती हैं जिससे फिर एक इंटरनेशनल कंपनी वाला लीडर बोलता है, नहीं यार मुझे इंडियन कंपनी नहीं करनी है। इंडियन कंपनीज, लोकल फॉर वोकल बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंपनियों को डिज़र्व करना पड़ेगा, कंपनियों को वो कल्चर लेके आना पड़ेगा, कंपनियों को वो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, कंपनियों को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, कंपनियों को बिजनेस को नज़रअंदाज करके अपने सिद्धांतों पे खड़ा होना पड़ेगा। कोई जा रहा है तो जाने दो, कोई आ रहा है तो आने दो, किसी का किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा वाली पॉलिसी को छोड़ के इक्वल टू ऑल होना पड़ेगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जो मर्जी मार्केटिंग तरीका अपना लें, आप जो मर्जी तरीका अपना लें, तब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए बिजनेस करना और लगातार बिजनेस करना दो अलग अलग बातें, बहुत अलग अलग बातें। लगातार बिजनेस करने के लिए आपको लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, वो आपको छोड़ के भी चले जाएं तो भी उनके बारे में नेगेटिव बोलने से बचना पड़ेगा। और मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी लीडरशिप को भी कहना चाहता हूं, बी ए स्ट्रांग लीडरशिप। कोशिश करो लोग आपके साथ आएं, वो ग्रो करें, लेकिन अगर कोई ग्रो नहीं कर पाया और वो जाना चाहता है तो उसे लेट हिम फ्री, क्योंकि आपका है तो लौट आएगा और आपका नहीं है तो चला जाएगा, आप रोक नहीं सकते। छोटी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर किसी की एक जिम्मेदारी है कि उसे अपना घर चलाना है। एंड बिलीव मी, आज हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी इंटेंशन के कारण ग्रो कर रहे हैं। आज हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो इसलिए ग्रो कर रहे हैं कि हमने किसी को किसी के ऊपर नहीं बैठाया, हमारी लीडरशिप हम पे ट्रस्ट करती है। आज हम ग्रो कर रहे हैं तो इसलिए ग्रो कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट राइट प्राइस पे, सही क्वालिटी के साथ, सही गुणवत्ता के साथ, सही कीमत के साथ, सही पैकेजिंग के साथ, सही समय पे उपलब्ध होते हैं। और इसीलिए हमें ये प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में शायद ही कोई बनी हो। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए डेडिकेशन के साथ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हर इंटरनेशनल कंपनी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हर इंटरनेशनल कंपनी के लीडर्स के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हर लोकल कंपनी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और जब दरवाजे खुले हैं तो खुले का मतलब ये होता है कि उससे कोई आ भी सकता है और उससे कोई जा भी सकता है। जब आप किसी को इन्वाइट करते हो तो आपको ये भी रेडी रहना चाहिए कि कोई आपकी टीम को भी इन्वाइट करेगा, और जब वो जाता है तो उसे ऑल द बेस्ट बोलना सीखो, और जो कोई आता है तो उसे वेलकम करना सीखो, और अपनी लीडरशिप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कोई आपके पास से जाके उसे लगे कि नहीं यार अगर वहाँ रहता तो वो सक्सेसफुल बन सकता था, वहाँ रहता तो कुछ सीख सकता था, वहाँ रहता तो कुछ ग्रो कर सकता था। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, लग जाइए,
ग्रो करने के लिए। हम अभी तक अगर मैं देख रहा हूँ तो हम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, पिछला महीना हमने ग्रो किया, अभी भी हम ग्रो कर रहे हैं, और पैंडमिक में लॉकडाउन में ग्रो करने का मतलब एक ही है कि लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, रीपर्चेज लगातार बढ़ रही है। मैं परसेंटेज ऑफ रीपर्चेज देख रहा हूँ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता इंडिया की किसी भी और कंपनी में रीपर्चेज का इतना बड़ा परसेंटेज होता होगा। हमारे प्रोडक्ट जिस घर में चले जाते हैं उस घर को कभी नहीं छोड़ते। और ये बात मैं वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी के बारे में बोलता था कि उनका टूथपेस्ट लीडर चाहे कंपनी छोड़ देता है लेकिन उनका टूथपेस्ट बाथरूम नहीं छोड़ता, और इसलिए वो कंपनी एक्सेल मेंटेन करती है। जब आपके प्रोडक्ट किसी का घर नहीं छोड़ेंगे तो आपकी सेल कभी नहीं गिर सकती। और हम एक ही मोटो के साथ चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हम ऐसे बनाएंगे कि वो किसी का घर नहीं छोड़ेंगे। कोई हमारी कंपनी भले ही छोड़ दे लेकिन हमारा प्रोडक्ट उनका घर नहीं छोड़ेगा, और जब तक हमारा प्रोडक्ट उनका घर नहीं छोड़ेगा तब तक आपके बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, मार्केट में ये चलता रहेगा जो आजकल चल रहा है। कोई कुछ बोल देता है, 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 इसे कभी नहीं रोका जा सकता। डोंट बी पार्ट ऑफ सच थिंग्स। जो आपके साथ हैं उनके साथ मेहनत कीजिए, उनको ग्रो कराइए, जो आपके साथ नहीं है उन्हें लेके आइए। सेल्स का एक ही मतलब होता है, यू हैव टू बिल्ड इट, यू हैव टू डू इट। अपने आप सेल कभी नहीं होती, सेल करनी पड़ती है, और ये स्किल्स वाले लोग ही कर सकते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ। अभी देखिएगा, अभी एक बड़ा बदलाव आएगा इंडस्ट्री में, आने वाले 6 महीने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जो पॉजिटिव मार्केटिंग करेंगे, जो सही तरीके से इंडस्ट्री में काम करेंगे, उनकी सेल भी बढ़ने वाली है, उनकी टीम्स भी बढ़ने वाली है, उनकी सेल्स टीम भी बहुत ग्रो करने वाली है, और उनकी, क्योंकि अब हकीकत में कंपैरिजन शुरू हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन कभी बुरा नहीं होता, कंपैरिजन होना ही चाहिए। हुंडई और मारुति में भी होता है, ऑडी और मर्सिडीज में भी होता है, बीएमडब्ल्यू और ऑडी में भी होता है, बेंटले और रोल्स रॉयस में भी होता है, फरारी और लैम्बोर्गिनी में भी होता है। कंपटीशन, कंपैरिजन बुरी चीज़ नहीं है, ये एजुकेट करता है कस्टमर को, कंपैरिजन करो बहुत ज़रूरी है, हम भी करते हैं, आप भी करो, हर कंपनी को करना चाहिए, हर लीडर को करना चाहिए। प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करना चाहिए, प्राइस का कंपैरिजन करना चाहिए, वेट का कंपैरिजन करना चाहिए, क्वालिटी का कंपैरिजन करना चाहिए, पैकेजिंग का कंपैरिजन करना चाहिए, एथिक्स का कंपैरिजन करना चाहिए, सोच का कंपैरिजन करना चाहिए, हर चीज़ का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, पर किसी को नीचे दिखा के नहीं, सच पे करना चाहिए। और जो जीतेगा वो डिजर्व करता है, जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, जिसका रेट सही होगा, जिसका वेट सही होगा, जिसकी पैकेजिंग सही होगी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, जिसका एजुकेशन सही होगा, जिसका सेलिंग मेथड सही होगा, जिसका केयरिंग मेथड सही होगा, जिसका टीम बिल्डिंग मेथड सही होगा, जो ड्रीम सेलिंग पे जाएगा उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो सेल बिल्डिंग पे जाएगा उसको उसका फायदा मिलेगा। कंपैरिजन होना ही चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन होना चाहिए, तथ्यों के साथ होना चाहिए, सच के साथ होना चाहिए। लेकिन 90% लीडर्स या डायरेक्ट सेलर्स कंपैरिजन नहीं करते, भ्रांतियां फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, मिथ फैलाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मिथ वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे सच आ जाता है। कंपैरिजन होना चाहिए, करना चाहिए, करो, दबा के करो, हमारे साथ भी करो, सबके साथ करो, लेकिन जीत उसकी होगी जो सही तरीके से कंपैरिजन करेगा। प्रोडक्ट पे कंपैरिजन करो, क्वालिटी पे कंपैरिजन करो, पैकेजिंग के पे कंपैरिजन करो, डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपैरिजन करो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे कंपैरिजन करो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 4 दिन का है और कौन सा पूरी लाइफ का है। आओ ना, एक एक कप चाय पीते, कंपैरिजन करते, किसने मना किया, कौन 5 साल पुरानी कंपनी, कौन 4 साल पुरानी कंपनी, किसका टर्नओवर बड़ा, किसका छोटा, किसके अचीवर बड़े, किसके छोटे, बोलते रहते हैं लोग। मुझे लगता है जब चोट लगती है तो बोलना पड़ता है, उन लोगों को शायद चोट लगी होगी इसलिए बोल रहे होंगे, लेकिन जिससे चोट लगी है उसको बोलो ना, जिससे चोट नहीं लगी है उसे क्यों बोल रहे हो। 5 साल पुरानी कंपनियां क्या कर रही हैं, 5 साल पुरानी कंपनियां ये कर रही हैं साहब जो आपकी कंपनी ने 5 साल में किया ही नहीं था।
5 साल पुरानी कंपनियों ने वो किया साहब जो आपके पास 5 साल की आपकी जब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो उसके 5 साल में था ही नहीं। ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, कंपैरिजन की बात करना चाहता हूँ। आपके 5 साल हमारे 5 साल कंपेयर करो ना, तकलीफ का है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जाने वाले को अलविदा कहना सीखो, आने वाले का स्वागत करना सीखो, कभी तकलीफ नहीं आएगी। बिजनेस है ये, प्रोसेस है बिजनेस का, लोग आते भी हैं लोग जाते भी हैं, टेक इट इजी मैन। सबको बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, हर कंपनी में कोई ना कोई लीडर कहीं ना कहीं से आया है, इसका मतलब कभी ना कभी किसी ने गद्दारी की हुई है। अगर आज गद्दार हम कहते हैं लोगों को, जाने वालों को, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी ने किसी के साथ गद्दारी की हुई है। डायरेक्ट सेलर के दर्द को समझना क्यों नहीं चाहते, डायरेक्ट सेलर की प्रॉब्लम्स को समझना क्यों नहीं चाहते। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि लोग कहीं से छोड़ के मेरे पास आएंगे तो कहीं मेरे से छोड़ के भी आगे जाएंगे, ये हिस्सा है। पर जिसका मेंटल लेवल छोटा है ना, वो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको तो आदत है बोलने की, ये है वो है। भैया पेट में दर्द होना जायज है, लेकिन सच सच ही रहेगी। मैक्सिमम लीडर्स कहीं ना कहीं से दूसरी कंपनी में आए होते हैं, कहीं ना कहीं से दूसरी कंपनी में जा रहे होते हैं, उनका आना और जाना बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसे नॉर्मली ही लेना चाहिए। और अपने ऊपर काम करो, अपनी ताकत पे काम करो, अपने को और तरास हो ताकि लोग और आपके साथ रहें। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाले, उनको कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, उनको सक्सेस की तरफ कैसे लेके जा सकते हो, इस पे काम करो। उनको कैसे ग्रो करा सकते हो उस पे काम करो, और जब आप ऐसा करोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो सीईओ है, कंपैरिजन की बातें कर रहा है। क्यों भाई, मर्सिडीज में कोई सीईओ नहीं है क्या? उनके यहाँ चार्ट बना होता है कि इस गाड़ी में, इस कंपनी की गाड़ी में। मारुति में कोई सीईओ नहीं है क्या? वो चार्ट बना के अपनी हर एजेंसी में देता है कि इस कंपनी का ये गाड़ी आती है, इस कंपनी की ये गाड़ी आती है, ये इतने की आती है, इतने की आती है, इसमें अलॉय व्हील है, इसमें नहीं है, इसमें एसी है, इसमें ऑटो एसी है, इसमें ये है, इसमें ये। एक एक चीज़ कंपेयर करके उनकी हर एक एजेंसी में चार्ट बना रखा होगा कि हुंडई का ये है, मारुति का ये है, होंडा का ये है, हर सेगमेंट की गाड़ियों का चार्ट बना रखा होगा। और वो बकायदा दिखाएंगे ग्राहक को कि उनकी कंपनी में कोई एजुकेटेड सीईओ नहीं है क्या? इसका मतलब, अभी एक कमेंट पढ़ा मैंने, वो बोला सीईओ है कैसी बातें कर रहा है कंपैरिजन की, इसका मतलब हुंडई में जो सीईओ बैठा है, मारुति में जो सीईओ बैठा है, मर्सिडीज ऑडी में जो सीईओ बैठा है, और उनकी एजेंसियों में जो करोड़ों रुपए की एक एक एजेंसी बनती है, उनकी एजेंसियों में वो चार्ट रखे होते हैं, इसका मतलब वो सब सीईओ बेवकूफ है। वो सब ऑर्गेनाइजेशन रोड पे चलती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई दम नहीं है। लेकिन साहब आपका कसूर है ही नहीं, आपको एजुकेशन ही ये दी गई है कि आपको लग रहा है कोई ग्रो कर रहा है उसकी बुराई करो, आपको लग रहा है कोई सच बात बोल रहा है उसकी बुराई करो, आपको लग रहा है ये कर रहा है इसकी बुराई करो, आपको लग रहा है ये आगे निकल रहा है उसका पैर खींचो, आपको लग रहा है ये कंपैरिजन करके आपको हरा रहा है उसको किसी और तरीके से गिराओ। और तरीके से मत गिराओ, कंपैरिजन करो। पीपल आर हेयर टू डू बिजनेस, पीपल आर हेयर टू डू सेल, ये सेल प्रोफेशन है, और सेल प्रोफेशन में प्रोडक्ट कंपेयर नहीं हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? वी आर इन टू सेल, और सेल में कंपैरिजन एक बहुत बड़ा हथियार है, करना ही चाहिए, हर कोई करता है। अब जिस भी कंपनी है उसने आपसे पहले वाली जो एस्टेब्लिश कंपनी थी उसके साथ कंपैरिजन किया होगा, हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको इस बात के, हजारों सेमिनार में बोला हुआ मिल जाएगा आपको, कोई इंटरनेशनल से कंपेयर करके बना है, कोई लोकल से कंपेयर बन के बना है। भैया हर आदमी का कंपैरिजन होता है, यहाँ तो बाप बेटे का भी कंपैरिजन होता है, अमिताभ और अभिषेक के बीच में भी कंपैरिजन हो जाता है। आप नहीं भी करेंगे तो लोग करेंगे, लोगों का काम है करना, जीतेगा वही जो सही होगा। आप सही हैं आप जीत जाएंगे, हम सही हैं हम जीत जाएंगे, कोई और सही है कोई और जीत जाएगा। किसी को गद्दार कहने से क्या हासिल होगा, किसी को वीर कहने से क्या हासिल होगा? तथ्यों पे व्यापार करो ना, इमोशंस पे व्यापार कब तक? बहुत इमोशनली अत्याचार हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं नहीं मानता हूँ करना चाहिए। हमने कभी भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स नहीं दी, हमने हमेशा एथिकल ट्रेनिंग्स पे बात की है, हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पे बात की है, हमने हमारे विचारों को उस तरीके से रखा है, हमने हमेशा 4.5 साल उसे अपनाया है। लोगों को मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि लोगों को लगता होगा अरे ये बोल रहे हैं, यहाँ आईडी चेंज नहीं होती, अरे यहाँ पावर टीम नहीं होती, अरे यहाँ इधर से उधर नहीं होता, यहाँ पोजीशन नहीं मिलती, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं।
बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हमारी कंपनी के किसी भी लीडर के साथ बैठिए, वो बता देगा होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको नॉर्मली ही लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कंपैरिजन इज द बेस्ट थिंग, मुझे नहीं लगता इससे किसी का भी कोई बुरा है। कंपैरिजन हमेशा होता था, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा और होता रहना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन ही आपको बेहतर करने की प्रेरणा देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 4.5 साल हुए, अगले 6 महीने ये इंडस्ट्री बदलेगी। मैंने जब 3.5 साल पहले बोला था ये इंडस्ट्री बदलेगी, मैंने बोला था ये रैंक फ्री इंडस्ट्री बनेगी, मैंने बोला था ये बल्क सेल नहीं चलेगा, मैंने बोला था यहाँ पे साइड मेंटेनेंस करना तकलीफ का विषय हो जाएगा, मैंने बोला था कि हाई प्राइस पे ओवर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाएगा, ये सब हो रहा है। जब मैंने 4.5 साल पहले ये बोलना शुरू किया था तब भी लोग ऐसे ही बातें करते थे, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, लोगों का आना और जाना जब तक आप इसे सामान्य तौर पे नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं मानता आप लीडर हैं, तब तक मैं नहीं मानता आप लीडर। लीडर बनने के लिए आने वाले का वेलकम करना और जाने वाले का ऑल द बेस्ट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके कारण नहीं है, वो आपके कारण नहीं है, दोनों इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, दोनों की अपनी अपनी कैलिबर है, दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है, दोनों की अपनी अपनी मानसिकता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ विद हिम और विदाउट हिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप टकराव की स्थिति में होते हैं तो आप कितनी मैच्योरिटी से उसे डील करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप के साथ कोई बुरा कर दे तो उसके बाद भी आप कितने अच्छे बने रहते हैं, और अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और आप ये नहीं कर सकते तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। ग्रो करने के लिए स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, और पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, अच्छी नीयत होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, बस इतना सा ही मैसेज देना चाहता हूँ, मैच्योरिटी से डील करो हर चीज़ को। ये इंडस्ट्री आपकी है, ये कंपनियाँ आपकी हैं, जब ये इंडस्ट्री अच्छी कहलाएगी तभी आप अच्छे कहलाएंगे। जब तक ये इंडस्ट्री के लिए आप बोलते हुए ये नहीं सोचोगे कि आउटसाइडर जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, आपकी जो स्पीच आप देने जा रहे हो, जो हेट स्पीच है, उसके बारे में मार्केट क्या सोचेगी, बाकी के लोग क्या सोचेंगे, आप खुद अपने चारों तरफ एक लिमिटेशन का दायरा बना रहे हो। जितना आप हेट स्पीच देंगे उतना कम लोग आपकी इंडस्ट्री में आएंगे। इस इंडस्ट्री का ग्रो करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मैच्योरिटी के साथ इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कितनी अच्छाइयों के साथ काम करते हैं, कितनी हेट स्पीच से आप बचते हैं, कितना गलत बोलने से आप बचते हैं, कितना कड़वा बोलने से आप बचते हैं। थैंक यू, पॉजिटिव लें कंपैरिजन को भी और लोगों के आने जाने को भी। फिर मार्केट भी आपकी है, बिजनेस भी आपका है, सेल भी आपकी है और इनकम भी आपकी है। जीतने के लिए अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तैयार हैं हम भी, आप भी तैयार रहिए, जिसमें दम होगा वो जीतेगा, जिसमें नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा, वो फिर कभी जीतेगा अगर वो लगातार लड़ता रहा। जो हारता नहीं है वो एक दिन जीत जाता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।